नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। इंडिया पब्लिक खबर में वक्त हो चुका है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले फेज का मतदान संपन्न हो चुका है, जहां राज्य के 19 जिलों के 89 सीटों पर वोट डाले गए। इन सीटों पर 788 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। शेष 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा और नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। गुजरात की जनता ने वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो वहीं वरिष्ठ नेता ने भी वोट डाला। बता दें कि इस बार गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी जीत का पूर्ण बहुमत का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जीत की हुंकार भर रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अहमदाबाद में एक रोड शो के दौरान बीजेपी के राज्य की तरक्की के लिए किए गए कार्यों को गिनाया। उन्होंने रोड शो के दौरान कहा कि जब मोदी मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में गुजरात में विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया था, जनता को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हुई थी। गुजरात में एक बार बीजेपी की सरकार फिर आने वाली है। बता दें अहमदाबाद में दूसरे चरण के तहत मतदान होने हैं। पहले चरण के चुनाव के तहत सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों की 89 सीटों पर बृहस्पतिवार को मतदान हुआ, जबकि अहमदाबाद शहर की 16 सीटों समेत बाकी की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होना है। मोदी जी के यहाँ मुख्यमंत्री काल में गुजरात की बहुत सारी मूलभूत समस्याओं का समाधान आया। जैसे गुजरात हमेशा पानी की कमी से की पीड़ा से पीड़िता था, मगर मोदी जी ने इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला, चेक डैम बनाए, तालाब को बहुत गहरा किया, नर्मदा योजना का समाधान लाए, सौनी योजना और सुजलाम सुफलाम योजना बनाई और समग्र गुजरात के पानी की समस्या को उन्होंने मुक्ति दिलाई। इसी प्रकार से हर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंचाना, स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन, एनरोलमेंट और ड्रॉपआउट रेशियो पर कंट्रोल आना, ढेर सारी मूलभूत समस्याओं का निवारण मोदी जी ने लाया है, जिसको जनता अपनी मन की गहराई से बहुत सम्मान करती है, प्यार करती है। इसके कारण सातत्यपूर्ण तरीके से हमेशा भाजपा को वोट मिलती है। गुजरात में एक तरफ पहले चरण का चुनाव हुआ, तो वहीं दूसरी ओर सभी दलों की ओर से बयानबाजी भी जोरों शोरों से की गई। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भावनगर में कहा कि गुजरात की जनता विकास की राजनीति को मानती है, यहां से बहुत कम वोट अन्य पार्टी को जाता है, सारा वोट बीजेपी को जाता है। गुजरात की जनता का भरोसा भाजपा पर बढ़ रहा है, इस बार भाजपा अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाएगी। गुजरात की जनता बीजेपी के अलावा और किसी को पसंद नहीं करती। पिछले एक सप्ताह से सारे गुजरात में मैं चुनाव प्रचार में गया, मैंने देखा है कि जिस तरह से गुजरात की जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और बढ़ रहा है, उसको देखते हुए मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना ही रिकॉर्ड को ब्रेक करके नया रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक और पड़ोसी महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। गौरतलब है कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पुराने अंतरराज्यीय विवादों में से एक है। महाराष्ट्र सरकार इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। महाराष्ट्र ने राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के कुछ प्रावधानों को चुनौती दे रखी है। वो भाषाई आधार पर कर्नाटक के 5 जिलों से 865 गांवों के अपने प्रदेश में शामिल किए जाने की मांग कर रही है, क्योंकि कर्नाटक का खासकर बेलगावी जिला महाराष्ट्र सीमा से सटा है, इसलिए वहां पर इस बार भी तनाव काफी बढ़ चुका है। वहीं इस मामले में कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि सीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। इस बीच भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाल ली है। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि G20 की अध्यक्षता ये अवसर देती है कि हम अपनी कहानी दूसरों के साथ बांटें। सुषमा स्वराज भवन में आयोजित यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अच्छे कारणों की वजह से दुनिया आज भारत में जबरदस्त रुचि दिखा रही है।
कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि G20 की अध्यक्षता दूसरों के साथ हमारी कहानी साझा करने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि यही मौका है जब हम ग्लोबल साउथ देशों की आवाज बन सकते हैं। ये उपलब्धि महज एक कूटनीतिक घटना नहीं है, बल्कि ये वैश्विक चुनौतियों के बीच एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिसे भारत ने लिया है। As the mother of democracy, India's G20 presidency will be consultative, it will be collaborative, and it will be decisive. Having noted that, we must also recognize that the global order today is not truly reflective of the state of the world. Institutions and practices created 75 years ago still dominate global decision making. A representative and democratic international order must press for change. Not just in the United Nations, but in other international institutions as well. ग्लोबल टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन में यूनाइटेड किंगडम के राज्य सचिव जेम्स क्लेवरली ने कहा कि भारत और यूके प्रौद्योगिकी की सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उभरती हुई डिजिटल तकलीफ दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नया रूप दे रही है। वहीं हम भारत की तरह आतंकवाद के खिलाफ भी नीतियों को समझते हैं और हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति में ये मुद्दा उठाया था। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसका निष्कर्ष निकलेगा। India and the United Kingdom are ideally placed to use our science, technology and digital leadership to meet these challenges and maximize these opportunities. Next year, I'll launch the UK's first ever international tech strategy to set out our global vision. As the world's largest democracy and a powerhouse for talent and ideas, India will be at the front and center of that. इस बीच कर्नाटक पुलिस ने मंगलुरु में ऑटो रिक्शा विस्फोट मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी है। वहीं शहर के आयुक्त ने मामले को स्थानांतरित करने की जानकारी दी। बता दें कि इस धमाके में ऑटो ड्राइवर और एक पैसेंजर घायल हो गए थे। दोनों की पड़ताल करने पर पुलिस को पता चला कि पैसेंजर मोहम्मद शरीक है, जिस पर पहले से आतंकवाद से जुड़े कई केसेस चल रहे हैं। मंगलुरु विस्फोट भी उसी ने किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन जिले की सीमा छोड़कर आगे बढ़ गई है। यात्रा में अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी शामिल हुई। वो काफी देर तक राहुल गांधी से बातें करते हुए उनके साथ चली। वहीं स्वरा के यात्रा पर शामिल होने पर बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर तंज कसा है। अभिनेत्री स्वरा भास्कर के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में स्वरा भास्कर और कन्हैया कुमार जैसे राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाले लोगों का शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि भारत को तोड़ने वालों के समर्थन में ये यात्रा निकाली जा रही है। उधर एमपी के मंडला बालाघाट जिले की सीमा पर हॉक फोर्स ने मुठभेड़ में दो नक्सलियों को ढेर कर दिया। मारे गए नक्सलियों में एक जीआरबी केबी डिवीजन की समन्वय टीम का प्रभारी गणेश मरावी और भोरमदेव कमेटी PL2 का ACM कमांडर राजेश है, जबकि एक महिला नक्सली फरार हो गई। राजेश छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी नक्सली हमले के मास्टरमाइंड हिडमा के साथ काम कर चुका है। नक्सलियों से AK-47 और 315 बोर की राइफल भी बरामद हुई है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए लोगों ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में खुद दलाई लामा भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में अब तक जो कुछ भी किया है वो पूरी तरह बौद्धिचित के विचार और लक्ष्य से प्रेरित रहा है। इसी तरह से आने वाले 10 से 20 सालों तक मैं बौद्धिचित के विचार को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता रहूंगा। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।